लॉजिटेक कंफर्ट MK345। यह एक वायरलेस कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है। इसकी प्राइस 2300 है। ऑफ़र में आपको अंडर 2000 मिल जाएगी। मैंने पहले भी एक लॉजिटेक वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो का अनबॉक्सिंग किया है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। जानते हैं इस कीबोर्ड माउस कॉम्बो की फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये MK235 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। बॉक्स के अंदर आपको एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड, एक ऑप्टिकल माउस, एक रिसीवर मिलता है। इसके अलावा मैनुअल दी गई है। बॉक्स के अंदर ही आपको ऑपरेट करने के 4 स्टेप्स लिखे गए हैं, आप उन्हें देख सकते हो। कंपनी का कहना है यहाँ आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ मिलेगा। माउस में आपको 1.5 साल तक बैटरी लाइफ मिलती है और कीबोर्ड में यहाँ 4 साल तक बैटरी लाइफ मिलेगी। अगेन मॉडल है कंफर्ट MK345 और ये विंडोज़, क्रोमबुक, मैक ओएस सबको सपोर्ट करता है। यह माउस राइट हैंड यूज़र के लिए ही कंफर्टेबल है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसका एर्गोनॉमिक डिज़ाइन राइट हैंड यूज़र के लिए ही बनाया गया है। यह रही माउस। यहाँ माउस आपको डुअल कलर पे मिलेगी, टॉप में ब्लैक है और बॉटम में ब्लू कलर दी गई है। माउस में आपको ऑन ऑफ का स्विच मिलेगा, टॉप में मैट फिनिश दी गई है, लेफ्ट राइट बटन और एक स्क्रॉल बार मिलेगा। यह एक जनरल पर्पस माउस है। साइड में आपको ग्रिप के लिए टेक्सचर दिया गया है, आप डिज़ाइन देख सकते हो। काफ़ी कंफर्टेबली ये राइट हैंड में फिट हो जाती है। यह रही बैटरी कंपार्टमेंट, यहाँ आपको सिंगल सेल मिलता है। टॉप में आपको ब्लू कलर की लॉजिटेक का लोगो भी मिल जाता है। मैट और शाइनिंग फिनिश के साथ साथ ब्लैक और ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। चलिए अब जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो यहाँ आपको फुल साइज़ मेम्ब्रेन कीबोर्ड मिलता है। पाम रेस्ट की भी सुविधा दी गई है। पाम रेस्ट में यहाँ आपको मैट फिनिश टेक्सचर दिया गया है ताकि हल्के पुल्के स्वेटिंग में आपको फिसलन नहीं होगी। कीबोर्ड में भी आपको ऑन ऑफ का स्विच मिलता है। फुल साइज़ कीबोर्ड है तो आपको नमपैड और अल्फा न्यूमरिक दोनों मिलेगी। कैप्स लॉक इंडिकेटर भी दिया गया है, आप सामने से देख सकते हो। यहाँ ऑन ऑफ स्विच के साथ साथ कैप्स लॉक इंडिकेटर भी दिया गया है। पाम रेस्ट का टेक्सचर देख सकते हो और साइड में आपको लॉजिटेक का लोगो मिलेगा। यहाँ कीबोर्ड भी आपको डुअल कलर पे मिलेगी, टॉप में ब्लैक और बॉटम में ब्लू कलर। 1 इंचेस तक का इंक्लिनेशन मिलेगा और यहाँ आपको डुअल सेल बैटरी कंपार्टमेंट दिया गया है। बैटरी आपका इंक्लूडेड है। ये प्लास्टिक एरो को आप हटा दें, ये बैटरी कनेक्शन को रोक के रखता है। इसको हटाते ही बैटरी ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है। आप यहाँ बैटरी देख सकते हो, ट्रिपल ए साइज की डुअल बैटरी है। डुअल बैटरी है इसीलिए यहाँ बैटरी बैकअप भी आपको ज़्यादा मिलता है। कंपनी का कहना है 4 साल तक बैटरी बैकअप मिलेगा यहाँ पे। एक सिंगल नैनो रिसीवर से ही आप कीबोर्ड और माउस दोनों को ऑपरेट कर सकते हो। माउस के अंदर ही नैनो रिसीवर को रखने की जगह दी गई है, तो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप रिसीवर को माउस के अंदर रख सकते हो। यहाँ मैं एक साउंड कंपैरिजन सुना रहा हूँ मैकेनिकल कीबोर्ड के साथ। इस कीबोर्ड माउस में एक बहुत ही अच्छी फीचर दी गई है। अगर आप रिसीवर को कनेक्ट नहीं रखते हो तो
तो यहाँ बैटरी कंज्यूम नहीं होगा और ना ही आपका कैप्स लॉक इंडिकेटर जलेगी। इससे बहुत हद तक आपकी बैटरी सेव हो सकती है। तो यह एक न्यू फीचर है जो मैंने अभी तक दूसरे कीबोर्ड में नहीं देखा था। माउस में भी आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है, ऑन ऑफ करने पे यहाँ इंडिकेटर थोड़ी देर के लिए जलती है फिर बुझ जाती है, या फिर बहुत लंबे टाइम तक ये स्लीप में रहती है और अगर आप इसको मूव करते हो तो ये थोड़ी देर के लिए ब्लिंक करती है। तो अगर आपको एक प्रीमियम डिज़ाइन के साथ साथ एक कंफर्टेबल वायरलेस कीबोर्ड माउस का कॉम्बो चाहिए तो अंडर 2000 ये आपको एक अच्छी डील हो सकती है, जहां आपको एक अच्छी ब्रांड के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ भी मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब। धन्यवाद।